हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बहुत ही सुंदर सी एक बास्केट बनाएंगे विद हैंडल, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और आप इसमें कुछ भी सामान स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक थाली ली है, थाली या प्लेट्स आप कुछ भी, अगर आपके पास बड़ी प्लेट्स है तो वो आप ले सकते हो। तो वो प्लेट से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उस सर्कल की मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरीके से सेम आपको ऐसे कटिंग करनी है और एक पीस आपको ये सर्कल का तैयार कर लेना है। तो ये सर्कल आपने ले लिया है और इसके नीचे आप पहले आप यहाँ पे कोई कहीं पे भी एक निशान लगा के इसके चारों तरफ का मेज़रमेंट ले लीजिए कि इसके चारों तरफ का मेज़रमेंट क्या है। तो ये देखिए हम इसका मेज़रमेंट ले रहे हैं, मेज़रमेंट लेके हम देखते हैं कि इसका मेज़रमेंट कितना है। तो मेज़रमेंट आया है इसका 33 इंचेस। तो हम इसी तरीके से 34 इंचेस का ये रेडी करेंगे स्ट्रैप, और 34x4 इंच की मैं यहाँ पे स्ट्रैप रेडी करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस सर्कल को क्विल्ट कर लेती हूँ। तो सेम इसी तरीके से क्या करना है, एक नीचे लाइनिंग लगानी है और उसके ऊपर हमें फोम सीट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो या रबर सीट वो आप लगा सकते हो। तो इसी तरीके से ऊपर हमने जो सर्कल कट किया है वो रख के इसको सील लिया है। देखिए चारों तरफ से सिलाई कर ली है और सर्कल रेडी कर लिया है। अब ये देखिए, ये मैंने पट्टी भी तैयार कर ली है। ये पट्टी है 34x4 इंच की और इसी तरीके से मैंने रबर सीट भी ले ली है सेम इसी मेज़रमेंट की, और नीचे है लाइनिंग। सेम इसी तरीके से हम इसको भी क्विल्ट कर लेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा या एक्स्ट्रा सीस वगैरह आपकी होगी उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए से फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको क्विल्ट कर रहे हैं। जब तक फ्रेंड्स मैं इसको क्विल्ट करती हूँ, तब तक के लिए आप ऐसा कीजिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये फैब्रिक बास्केट पसंद आई या नहीं आई। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, तो देखते जाइए फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को देखिए, मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 11x3 इंच की स्ट्रैप ली है, दो स्ट्रैप मैंने ली है और इन दो स्ट्रैप को मैं हैंडल बना के रेडी करूँगी। तो ये स्ट्रैप मैं तैयार कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके ये स्ट्रैप तैयार करनी है। तो दोनों स्ट्रैप को हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। किसी भी तरीके का कोई भी आप सामान इसमें रखते हैं, रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। अदर कोई भी सामान आपका हो तो वो आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रैप हमने रेडी कर लिया है और ये क्या करेंगे हम, जो हमारा जो पूरी पट्टी हमने रेडी की थी इसके चारों तरफ का मेज़रमेंट लेके उसको हम इसके साथ में सील देंगे। तो हम दोनों को इस तरीके से साथ में लेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इसको सीलते जाना है। आप चाहें तो इसको पहले पिन करके रख सकते हैं, पिन करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी। मैं इसको डायरेक्ट ही सील रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको राउंड राउंड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा नया नया चैनल है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरा और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियो डालने का मन करेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये स्टिच हो गई है और स्टिच हो के देखिए ये लगभग तैयार हो गया है स्टिचिंग करके। तो ये तो हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम देखते हैं, इसको सीधा करके देख लेते हैं कि इसका लुक हमारा थोड़ा कैसा आ रहा है। अभी इसमें काम तो बहुत है ताकि ये बहुत ही देखने में सुंदर लगे, तो इसकी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको तो हम कुछ और भी इसमें वर्क करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें स्ट्रैप लगानी है, तो स्ट्रैप लगाने के लिए हम सेंटर पे मार्क कर लेते हैं ताकि दोनों साइड हमारा एकदम सेंटर में हैंडल लगे। तो इस तरीके से हम दो दो इंच का मार्जिन छोड़ के मार्क के और हैंडल को
लगा देंगे। तो मैंने हैंडल लगा दिए हैं। अब सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये तैयार किया था बास्केट, उसी तरीके से हमें एक लाइनिंग पीस लेके बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें ये स्टिच कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो हमारी स्ट्रैप थी वो मैंने जॉइंट नहीं की हुई है पहले, तो इसको हम बाद में जॉइंट करेंगे। इसका ये वाला पार्ट हम खुला रखेंगे। बस थोड़ा सा हम 1 इंच का जो पार्ट है ऊपर से 1 इंच हम स्टिच करेंगे ओनली। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 इंच तक सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए ये मैंने 1 इंच सिलाई लगा दी है। और अब इसको मैं रखूँगी जो हमने तैयार की थी बास्केट, देखिए वो इसके अंदर करके रख दूंगी। और अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, इसको जॉइंट कर लेना है इसमें। फ्रेंड प्लीज मैं आपसे सपोर्ट मांगती हूँ आप सबका, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच करके तैयार कर लिया और अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद इसका लुक ही चेंज हो गया और देखने में हमारी कितनी ब्यूटीफुल लगने लगी है। तो जो हमारा हमने खुला हुआ पार्ट छोड़ा हुआ था उसको हम स्टिच करके यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसको पाइपिंग की तरह हम करने के लिए इसमें यहाँ से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो आपको किस तरह से लगानी है, पाइपिंग निकालनी है नहीं निकालनी है, अगर नहीं निकालनी है तो आप इसको अंदर की साइड करके लगा दीजिए, पाइपिंग निकालनी है तो आप इसको इस तरीके से स्टिच कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो फाइनल लुक देखिए देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और जब इसमें कुछ भी सामान आप रखेंगे तो वो भी रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा। और आप इसको कहीं भी अपने मेज़ पर, ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं।